यो इंडिया नहीं एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, आज यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे खाना खाया है। है दाऊ के मैं खवा पै भी दिया करो, 50 रुपए रुपया ना चाट ले तू। दाल बाटी चूरमा, मक्की की रोटी, मक्की और बाजरे की रोटी। भाई सब तो पहले जाओ ठेके पे। भाई बोले की नगरी का खाना बहुत स्वाद है। रोंगटे खड़े हो गए थे आरती के, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को, और आपका स्वागत है हमारे एक और व्लॉग में गाइस। और आप देख रहे हैं विपिन एसी व्लॉग। तो गाइस आप जैसा कि आप सब जानते हैं भाई हम आ रखे हैं उज्जैन, तो आज हम जा रहे हैं आरती के लिए। कल बहुत अच्छे से आ गए थे हम आराम से, तो आज भाई माँ काल जी के आपको दर्शन करवाएंगे। अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो गाइस भाई अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, आपको दिखाते हैं मंदिर और नॉर्मल दर्शन भी कराते हैं जाते टाइम। कल हम बस आरती ले आए थे रात को 5 बजे 6 बजे वापिस आ गए थे फिर सुबह। तो भाई वहाँ पे फोन अलाउड था नहीं, हम वीडियो वगैरह बना नहीं पाए और कुछ हम ना बातों में आ गए कि हम फोन ना रूम पे ही छोड़ गए। तो आरती वारती लेने के बाद तो बस वो सीन मिस हो गया, कुछ फ़ोन भाई लेके भी गए हुए थे, बस यही गलती रहेगी। तो अभी हम जा रहे हैं, बस फिर निकलेंगे माँ काल जी के दर्शन करके, एक बार फिर से दर्शन कर लेते हैं भाई। जा रहे भाई रिक्शा की सवारी उज्जैन की गलियां, भीड़ मच रही भाई, बड़ी जबरदस्त भीड़ हो रही है। पलटा रह दिए तू इसने। आर के बैंड उज्जैन। लो भाई मंदिर का बाबा जी का ले लिया प्रसाद मंदिर में एंट्री। चलो चलो चलो, जय महाकाल भाई सभी को, आप सभी को जय महाकाल। प्रसाद ले लिया है, अभी आपको दर्शन करवाते हैं। नॉर्मल दर्शन के लिए जा रहे हैं भाई, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कहाँ पे घूमेंगे। रात को बस आरती ले ली थी 2:30 बजे, सुबह सुबह 3 बजे। चलो भाई पहले थाने में जाएंगे, थाने से फिर अपनी VIP एंट्री हो जाएगी। यहाँ के जो थाने के जो SHO है ना वो जानकारी में है। लो गाइस जा रहे हैं भाई, अपनी बात होगी आगे। SHO साहब ने बोल दिया एक बंदे को, वहाँ पे एक भाई खड़ा मिलेगा गेट पे, 4 नंबर गेट पे जाएंगे। अभी 4 नंबर गेट पे अपना एक भाई बंदू मिलेगा स्टाफ से ही, तो भाई वो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ का पुलिस का, बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे की बहुत शर्म और इज्जत करते हैं। तिलक लगवाना है के? तिलक लगवाएंगे भाई, भाई शाम को हम ये चीज नहीं करवाई थी कुछ भी, हम सीधे बस आरती में जाके सुबह सुबह चले गए थे। वाह भाई वाह, टिक्का ना लगाया, टिक्का तो लगा दे। टिक्का
बाप भाई दया तलाड राहुल कित गया राहुल है जय हो महाकाल जय महाकाल। तो गाइस भाई हम हो गए हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए रेडी और वो रहा भाई पीछे मंदिर, ठीक है जा रहे हैं बस और फिर यहाँ से निकलेंगे अच्छे से पूजा वगैरह पाठ वगैरह सब करके। तो गाइस भाई वीआईपी दर्शन के लिए एंट्री अपनी हो गई है और अभी दर्शन करेंगे एकदम छेड़छाड़ का एरिया। यो फर्क हो जा भाई अपने स्टाफ का, लाइन बहुत जबरदस्त लग रही है नीचे। ओम नमः शिवाय गाइस, बहुत मतलब अंदर से ना रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, हम खुद फील कर सकते हैं। आप भगवान कसम भोले बाबा की कसम
रोंगटे खड़े हो गए थे आरती के, रोंगटे खड़े हो गए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है भाई, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। जय हो गाइस। सबसे पहले भाई जय महाकाल आप सभी को। और भाई वीआईपी दर्शन अपने बहुत बढ़िया हो गए, बिल्कुल पास है आरती ली दर्शन करें भोले बाबा के। मतलब यार मैं बता नहीं सकता शब्द में कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, कितना अभी तक रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी तक। इतनी जबरदस्त आरती भोले बाबा की लाइफ में पहली बार देखी है मैंने, बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। तो गाइज ऐसा बोला जाता है कि भाई जो मंदिर होता है ना उसकी चोटी जरूर देखनी चाहिए, चोटी को नमन करना चाहिए। जय माता। तो भाई भीड़ देख लो, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए अपने। भाई अघोरी बाबा तो बसम का टिक्का लगवा लेते हैं, ये है अपने अघोरी बाबा। भाई भाई दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं, अब खा लेते हैं सारे बैठ के भाई, खाना वगैरह खा के फिर जाते हैं भाई। तो भाई अपने आगे मेसी रोटी, प्लेन रोटी और भाई बटर पनीर बटर मसाला, जल्दी जल्दी खा लो सूट जाओ भाई। भोले की नगरी का खाना बहुत स्वाद है, एक नंबर का खाना भाई। गाइस मजा आ गया भाई, दर्शन में भी मजा आ गया और खाने में मजा आ गया, बहुत टेस्टी खाना है। ठीक है यार, बिना रोटी के खाना चाहिए। गाइस खाना वाना खा के भाई जा रहे हैं वापस गाड़ी में, और रूम पे जाएंगे। फिर एक भैरव का मंदिर और है वहाँ पे, और देखते हैं। डमरू कच्चे काट तू, हरियाणा पुलिस बैठी तेरी गल्ला। राजा का महल है, राजा का महल है, 15 किलोमीटर। क्या नाम है? अपने बावन कुंड। हर बार हो रहा है भाई सिस्टम, फोन बजा दे एक बार पुलिस आने का। बोल के चाल दो तेरा, बोल गया भाई क्या कर रहा है तू, चल चली जाएगी उतरे क्या, धक्का लगाऊं धक्का जय महाकाल। बढ़िया हाँ, बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लो भाई चेकआउट कर लिया है वहां से, और अब निकल रहे हैं भैरव के मंदिर में जाएंगे। बहुत ही अच्छे सज्जन थे, 2 बजे चेकआउट किया है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है, कुछ नहीं किया, बहुत बढ़िया आदमी था भाई। और यह भोले जी माला अपनी टूट गई थी, यार ले आए हैं नई।
ले भाई पहले एक काम आपके ले रहे पापा के दे आता नाम लेके और बैक करके काट दे काम से तो गाइस भाई उज्जैन में शिव महाकाल के दर्शन हमारे बहुत ही जबरदस्त हो गए। अब हम जा रहे हैं और भाई बस हम आते हैं काल भैरव मंदिर जा रहे हैं अभी। ठीक है तो गाइस आ गए हैं भाई काल भैरव मंदिर। चप्पल निकाल लो भाई, चप्पल यहीं पर निकाल लो गाड़ी में। चलो भाई 2200 पहले जाओ ठेके पे भाई, ठेके पे ऐसे नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे ना काल भैरव पे दारू का मतलब भोग लगता है ऐसे बताते हैं कि अच्छा रहता है और वो प्रसाद के तौर पे होती है। तो ठीक है भाई चढ़ाएंगे जो भी होता है आपको दिखाते हैं। ले लिया बहुआ अंग्रेज ने भाई, बहुआ अंग्रेज सारे। अरे भगवान पे देसी चढ़ाओ, देसी में मारना भाई भगवान तावड़ी इंग्लिश इंग्लिश में बिछड़ जाएगा वो पूरा बोतल भाई पे लेते हैं वापस देते हैं तू इसमें से भोगला को वापस दे देंगे फिर वो पीनी पड़ेगी हमें पीनी पड़ेगी। लो भाई बकाडी लेमन का भोग लगा दे मैं। अरे मैं का भोग यार डड्डा हुआ डड्डे में 200 पानी कैसी यार या तो यार कैसी यार है जदार हो गया पानी दिखे हल्का दिए ताकत ले लिया भाई प्रसाद ले लिया प्रसाद के मारे कदी यो रे मेन प्रसाद तो यो है बकाड़ी हो गया भाई हो गया भाई एक तो एक फिट रहे है ये पार्किंग है भैया गाड़ी अपनी पार्क हो गई है एक बार मंदिर जाके जल्दी सी आवे की सवारी करनी हो किसी ने बताओ यूट के पा फिर रहे देखिए अगरले क्या मैं खवा प्या भी दिया करो इन तय है दाऊ क्या मैं खवा प्या भी दिया करो 50 रुपये रुपया ने चाट ले तू रुपये भंडारा भाई भंडारा है भंडारा आते टाइम देखेंगे तो भाई ये जगह है काल भैरव मंदिर। किजा हम एंट्री किता है तमाका जो है भाई मंदिर और लेकिन भीड़ जबरदस्त लग रही है यहाँ से लेके वहां तक पूरी। हेलो गाइस तो गाइस भाई अपने काल भैरव मंदिर के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं बहुत जल्दी हो गए। भीड़ आपको दिखाई थी अगर हम भीड़ में फंसे रहते ना तो मतलब कि हमें रात ही हो जाती है अड़े दर्शन तो होने की बात दूर हमने खड़े खड़े रात हो जाते। तो गाइस फिर हमने भैया के जो पुलिस स्टाफ है उससे बात करी कि सर ऐसे ऐसे बात है और हम हरियाणा से हैं तो बोले कि सर देखो ऐसा नहीं हो सकता ये जो प्रोटोकॉल होता है एक माँ चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप है ना ड्रेस पहन के आ जाओ और आपके दर्शन हो जाएंगे। फिर कोई ड्रेस वगैरह पहन के 5 मिनट भी नहीं लगी 5 मिनट के अंदर अपने दर्शन कंप्लीट और अभी जा रहे हैं हम देखते हैं प्लान काका चित्तौड़ का कह रहे हैं वैसे प्रतापगढ़ अभी प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर जयपुर चलो देखते हैं भाई कहाँ पे जाते हैं। गाइस बहुत बढ़िया दर्शन हो गए अपने देख, देख लो घूमने की जगह कौन सी अच्छी तो, लो भाई एक बार फिर गाड़ी का टैंक फुल करवाया जाए कितनी चल गई रहे टैंक में ऑटो कट करवा देते हैं भाई देखते हैं कितना आएगा क्या सनी ये कर रहा है 41 होगा तेल आ गया है 43.5 लीटर गाइस भाई अपने सारे दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। अब जा रहे हैं घर और घर वाले रास्ते पे जो जो भाई अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस आते रहेंगे अब मतलब देखते हैं वहाँ पे स्टे भी कर जाए बढ़िया सा कोई।
भाई कित का प्लान बना रहे हैं? पहला प्लान था अपना उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का, उदयपुर उदयपुर तक है माउंट आबू। हां अरे घर का ना चलेंगे जो आज मेरा आऊंगी आज मेर चित्तौड़गढ़ ना अमान टू बस ही तो आज मेर अर्जनपुर बस इसको कुछ तो रोड पाओ है केविन का तो भाई अभी तक यू सेट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पे क्या करना है। कल यूं कह लग रहे थे ये भाई चित्तौड़गढ़ चल रहे हैं, चित्तौड़गढ़ थी चल पड़े, अब 50-60 किलोमीटर चल पड़े ना, ये भी लुको है उदयपुर चलना भाई घर साइड बोले अपने देखते हैं उदयपुर चलते हैं। उदयपुर बढ़िया है यार, उदयपुर माउंट आबू। हाँ डब माउंट आबू पास में पड़ता है, वहां से अपनी गाड़ी है कहीं को बालो, दो तीन दिन फ्री है। राजस्थान से अभी 400 किलोमीटर दूर है, अभी 400 मीटर दूर टोल है, राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या टाइम हो गया अभी? 7:18 हो गए, 7:15 हो गए, दर्शन तो अपने हो गए थे बहुत बढ़िया। तो भाई अभी सोच रहे हैं हम चित्तौड़गढ़ रुकेंगे, लेकिन अभी है टाइम जाने का, थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। ये होटल था रास्ते में, ठीक सा लगा। गाइस चित्तौड़गढ़ आ गए हैं भाई, ये सामने किला है, जबरदस्त है यार। वैसे जैसे दिन में देखते हैं यहाँ मेला लग रहा है, साइड में मेला तो चालू है। महारानी पद्मिनी मॉल भाई साहब, सुबह दिखाते हैं आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट आपको सुबह देखने को मिलेगा। अब तो हम खा पी के सोएंगे, बहुत थक रहे हैं। आज का स्टे यहीं पे है, अभी खाना वाना खा लेते हैं, ठीक है। अभी आए हम मॉल में, हल्दीराम मिला यहाँ पे, ऑनलाइन देखा था। ये भाई आपका मॉल, ये है भाई चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, राजस्थान का बिगेस्ट फोर्ट है, आपको सुबह दिखाएंगे, बहुत ही जबरदस्त है भाई साहब दिखने में। तो ये ट्रैम्पोलिन पार्क है भैया बच्चों का, किला रेस्टोरेंट ढूंढते ना, किला के पास आ गए, कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिला नहीं, 5 किलोमीटर क्यों क्यों ये इसके अंदर ही घुस गए, देखते हैं अंदर खाने पीने की व्यवस्था होगी तो रेस्टोरेंट वगैरह अच्छा मिलेगा, तो यहीं पे रुक जाएंगे चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही। एक वो राजस्थान वो भी था मोती आज लाखों में सावो तेरे खड़ा मोड़ हुआ है इब्बा, प्रैक्टिस कर ले तू पहाड़ी ड्राइवर बन जा, मंदी लिखा ओ भाई लिखा रे न्यू नहीं न्यू ना चल पड़ा भाई, मैंने दिख गई थी मनाली में टायर भी रपटेंगे, इसने वो जगह थी टायर भी रपटेंगे पहाड़ों में। तो गाइस भाई फोर्ट के अंदर चल रहे हैं और बर्बरिक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, सबसे बेस्ट इंडिया का बेस्ट रेस्टोरेंट बताया गया है, तो आज यहीं पे स्टे करेंगे, यहीं पे खाना पीना करेंगे और काफी ऊंचाई पे आ गए वैसे हम फोर्ट के अंदर। तो गाइस ये खड़ी कर दी है भाई हमने गाड़ी, फोर्ट के बिल्कुल टॉप पे आ गए हम, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट है और ये बर्बरिक रेस्टोरेंट है खाटू श्याम जी के नाम से। ये भाई है।
हमने बनाया है दाल बाटी चूरमा, मक्की की रोटी, मक्की और बाजरे की रोटी, बढ़िया है। कच्चे काट जाओ दाल बाटी, फर्स्ट टाइम खाते होगे, फर्स्ट टाइम खाते होगे दाल बाटी। मैंने तो खा रखी है बहुत बार। गाइस भाई खाना वाना खा लेते हैं, रोज की तरह आज भी लेट हो रहे हैं। चूरमा है, चूरमे के लड्डू हैं, चूरी है, चूरी दिखाइए, चूरी है, चूरी हमारे तो किराएदार रहा करते, वे खुआया करते भाई, राजस्थान के थे वे भी यार, एक ऊपर भी रहा करते। बाजरे की रोटी आप नहीं मेट दूंगा मैं। लो भैया मंगवाया राजस्थानी थाली, जिसमें चावल कड्डी यो के है सब्जी, कौन सी है पकौड़ा सा लगे मैंने, और ये सिंगरी, सिंगरी क्या क्या हुआ भाई, सिंगरी अपना नहीं हुआ अगर राजस्थानी का लगी मेन मेन डिश है ये। बीच में कौन सी सब्जी है ये, गट्टे की, गट्टे की, गट्टी गट्टी लो भाई, भाई बहुत थैंक यू, पूरी डाल दो पूरी। कोई खाना खा लिया गाइस, बढ़िया खाना है, देखती ठीक है भाई है, ओके डालना ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई ने बहुत बढ़िया खाना खिला दिया, दाल बाटी चूरमा वगैरह, देसी डाइट, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, और अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट देख लें भाई नीचे कोई मिल जाए तो काट दे पूरी काट दे भाई। यो इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, आज यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे खाना खाया है, एक अंगीठी है ना ना कुछ ना, रेस्टोरेंट है ये सिर्फ, रेस्टोरेंट एंड कैफे। तो गाइस वापस नीचे जा रहे हैं, नीचे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे देखते हैं भाई रूम वगैरह अवेलेबल है नहीं है, और सुबह आपको दिखाएंगे फोर्ट सारा। ठीक है गाइस तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और रूम बुक करवा लेते हैं एक बार। ये है भाई कुछ चित्तौड़गढ़ का कुछ व्यू, ऊपर से ऐसा दिख रहा है देख लो। लो भाई फोर्ट वैली आए हैं रूम वगैरह देखने। तो गाइस भाई हमें मिल गया रूम, बहुत ही अच्छा रूम मिला है भाई, राजस्थानी कल्चर टाइप का ही है सारा, इसका डिज़ाइन, इसके गेट्स वगैरह, हर एक चीज़ बहुत मतलब कुछ अलग सी देखने को मिल रही है। तो गाइस हम फोर्ट के अंदर ही रुके हुए हैं, यहीं पे हमने खाना वाना खा लिया, और गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये था अपना ब्लॉग, और अगले ब्लॉग में आपको फोर्ट दिखाएंगे और यहाँ की होटल का जो मतलब डिज़ाइन है गेट्स का और ये सारी चीज़ें, थोड़ा राजस्थानी स्टाइल है आपको ये दिखाएंगे। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, अगले ब्लॉग में आपको फोर्ट देखने को मिलेगा, बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, कीप इन टच गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, ओके बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड।